नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। यह भर्ती 4 वर्ष पुरानी है और इसके तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू इस साल 8 फरवरी 2020 को पूरा हो चुका है। अब तक अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं हो पाया है। प्रतियोगी छात्र समरजीत सिंह, राकेश सिंह आदि का कहना है कि अगर आयोग समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता है तो अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल परिणाम जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए, लेकिन जब तक लॉकडाउन का दौर है तब तक परिणाम आ पाना मुश्किल दिख रहा है। दूसरी खबर सैन्य इंजीनियरिंग सेवा को लेकर है। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9304 पदों को समाप्त कर दिया गया है। पदों को क्यों समाप्त किया गया है, किसकी सिफारिश पर समाप्त किया गया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सेना में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9304 पद समाप्त कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को सेकत कर समिति की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस सिफारिश का मकसद सैन्य इंजीनियरिंग सेवा को प्रभावी बनाना है, जो मौजूदा परिदृश्य में जटिल मुद्दों को कुशल व लागत प्रभावी तरीकों से संभाल सके। समिति ने इस सेवा का पुनर्गठन करने की सिफारिश की थी, जिससे इंजीनियरिंग सेवा का आंशिक काम विभाग के नियोजित कर्मचारियों द्वारा किया जाए और अन्य काम आउटसोर्सिंग से किया जाए। जब आउटसोर्सिंग का नाम आता है तो बहुत बुरा लगता है। मैं लगातार समाचार पत्रों का अध्ययन करता हूँ और उस पर विचार विमर्श करता हूँ। हर एक वैकेंसी में, हर एक विभाग में कहीं ना आउटसोर्सिंग का आ जाता है। तीसरी खबर आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना आवश्यक है। खाली पदों का नए सिरे से तैयार होगा ब्यौरा। अगर ऐसा होता है तो जो भर्तियाँ 2 से 3 माह में आने वाली थी, जिन भर्तियों का विज्ञापन 2 से 3 माह में जारी होने वाला था, उसके विज्ञापन में थोड़ा और विलंब होगा। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझिएगा, जब आप पूरी बातों को सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रोजगार की संभावनाओं की नए सिरे से तलाश करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सरकारी विभागों में समूह घा तक के रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में समूह घा तक के पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर नियुक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें राज्य सरकार के अधीन सभी विभाग में समूह का खा, गा और घा के पदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि उनके यहाँ इस संवर्ग में कितने पद सृजित हैं और इसमें कितने भरे और खाली हैं। तो आप एक बार समझ लीजिए, जिन भर्तियों का अध्याचन आयोग में या बोर्ड में पहुंचा होगा, अब उसे रोक दिया जाएगा। जब इधर समीक्षा हो जाएगी, ब्यौरा मिल जाएगा, अगर उस भर्तियों से जुड़े पद और प्राप्त होते हैं तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके कारण अब भर्ती विज्ञापन आने में थोड़ा विलंब होगा। चौथी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि यूपी पीसीएस 2020 में पदों की संख्या बढ़ेगी, 553 प्लस रहेगी, इससे कम पद नहीं रहेंगे। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आप पूरी खबर सुनिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी है। इस संबंध में शुक्रवार यानी कि आज कार्मिक विभाग में मीटिंग होगी। इसकी जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थियों में भर्ती की आग जगी है। उन्होंने मांग की है कि रिक्त पदों का अध्याचन तत्काल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाए, इसके बाद ही
यूपीपीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाए। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को बड़ी संख्या में ट्वीट किए हैं और आयोग के अध्यक्ष को भी ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, 553 से एक पद भी कम नहीं होगा जहां तक मुझे जानकारी है, और जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और इसके पहले भी मैं आपको कई बार जानकारी दे चुका हूं। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक माह पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि जून माह में जो भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसे स्थगित किया जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि परीक्षाओं का आयोजन जुलाई माह में भी संभव नहीं है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और जुलाई माह में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है। 101% ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। जिन परीक्षाओं का आयोजन होगा वह अगस्त या सितंबर माह से शुरू होगा, उससे पहले आप उम्मीद मत करिए, जहां तक मुझे जानकारी है। फिलहाल अगर आपको अतिरिक्त अवसर मिल रहा है तो उसका आप लाभ उठाएं और जमकर घर में बैठकर तैयारी करें, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। छठवीं खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती काफी विवादों की बात अब जाकर उभरी है। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती का अंतिम फैसला आने के बाद बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर थी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकलकर आई है कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आने को है, अब सवाल उठ रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि वह तय अर्हता पूरी नहीं करते हैं। किस प्रकार से पूरी नहीं करते हैं, ज्ञात हो कि बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण कोर्स व प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य है, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के पास नहीं है। इसी के कारण सवाल उठ रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है, इसका आगे निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या यह मुद्दा बनेगा या आगे देखने वाली बात होगी, फिलहाल वर्तमान की जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं। साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो बीसी शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया बाधित करने की हर आशंका को दूर करने पर काम शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यूपी सरकार का पक्ष भी समय से समुचित ढंग से रखा जा सके। शिक्षा मित्र संगठन फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभाग यह नहीं चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया लंबी खींचन के चलते भर्ती फंसे, इसलिए वह सभी विधिक संभावनाओं को खुले रखना चाहता है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी विवाद है जो बढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने राय दी है कि कैबिनेट दाखिल कर दिया जाए, जिससे सरकार का पक्ष सुना जाए और सरकार अपना पक्ष रख पाए। तो फिलहाल आगे कोई भी जानकारी मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अवश्य दी जाएगी।